सर फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार और अभी बज रहे हैं 8 या मॉर्निंग में 3 बजे का टाइम था। So hey guys, welcome back to another new vlog. This is by Adarsh Kumar and today date is 2nd of April and time is 12:45 PM. तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। तो हमारी जो ट्रेन है वो मॉर्निंग में 9 AM की थी, पर अभी वो यार 4 hours 35 minutes लेट हो चुकी है। तो अभी वो यार 2 बजे समथिंग आएगी। तो अभी यार टाइम हो चुका है और हमारे अंकल भी आ चुके हैं जो हमको लेके जाएंगे यहाँ से। तो बस हम फटाफट अपने बैग शैग रखते हैं और निकलते हैं, बिकॉज लेट भी हो रहा है और अभी वहाँ पे रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं है कुछ भी। तो यार आज की जो जर्नी है यहाँ से दिल्ली वाली उसका मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि यार दीदी का टिकट जो है वो कन्फर्म है और मेरा जो टिकट है वो मेरे को वेटिंग लिस्ट का भी टिकट नहीं मिला है। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कैसे मेरे को जाने के लिए टिकट मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ कवर करेंगे। तो आप बने रहो पूरे व्लॉग के साथ और व्लॉग को शेयर कर दिया कर रहा है तो व्यू अच्छे आते हैं तो मोटिवेशन आता है अंदर से वीडियो बनाने का। बाकी हम फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में, चलो चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, अभी 10 मिनट हुए मुझे पहुंचे हुए। तो मैंने कहा आपको दिखाता हूं यहां का मॉल कैसा है। तो अभी यार हमारी जो ट्रेन है वो 2:15 पे आ रही है और थोड़ी लेट हो गई है। तो हमने यार कहा हमको वेट ही करना पड़ेगा, तो हमने कहा दीदी से कहा तुम बैठ जाओ। तो ये सामने बैठी है बैग चेक लेके, ये वेट कर रही है। मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ। तो बस अब देखते हैं ट्रेन कब आती है, फिर दिखाते हैं सारा कुछ कवर करेंगे। तो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है आप देख रहे हो, और भाई ट्रेन बहुत मुश्किल से, हमें लगा नहीं था कि ट्रेन आएगी पर ट्रेन आ चुकी है फाइनली। तो अभी हमको हमारा बॉक्स ढूंढना है। तो हम खड़े हैं अभी S1 के पास। तो हमने कहा कि लेट्स सी, देख लेते हैं कि अगर यहीं पे S3 आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हम लाइक आगे वॉक कर लेंगे। तो बाकी सारे लोग दौड़ रहे हैं और मैंने दीदी से बोला कि इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई जनरल बॉक्स में कि नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ है, तो चलो फटाफट चलते हैं अपने S3 बॉक्स में बैठते हैं, आपको मिलते हैं। तो ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है यार स्टेशन से। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी बज रहे हैं 2:30। तो यार 15 मिनट यहाँ पे रुकी, इतनी देर स्टॉप नहीं है पर फिर भी रुकी है। वैसे यार लेट होती जा रही है तो और लेट होती जा रही है धीरे धीरे धीरे। तो लेट्स सी देखते हैं वो कितने बजे पहुँचाती है। टाइम तो उसका वही 8 बजे का 8:30 बजे का दिखा रहा है अभी, पर इसका जो रियल टाइम है वो 3 बजे का था। पर ठीक है लेट हुई है तो हमको तो ये टाइम पर पहुँचा दे, आई होप पहुँचा देगी। आनंद विहार हमको यहाँ से पहुँचना है, तो लेट्स सी मिलते हैं फिर आपको। तो हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार। तो आप देखो भाई इतना खतरनाक वाला क्राउड है, मतलब मैं गेट पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा दीदी से, दीदी मेरे को कॉल कर रही है कि ये हमारा बैग चेक है। तो दीदी मुझे कॉल कर रही है कि जल्दी से आओ बैग चेक निकालो, फिर निकलना भी है यहाँ से। मैंने कहा परेशान मत हो, आते हैं चलना ही है, अब रूंगी तो चलना है, कोई बात नहीं। तो हम फिर यहाँ पे आते हैं, फटाफट बैग निकालते हैं, फिर इतने लोगों की भीड़ होती है। मैंने कहा कि भाई निकल जाने दो, हम धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आराम से निकलेंगे। तो बस देखो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से, फिर आपको मिलते हैं बाहर। सर फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार और अभी बज रहे हैं 8 यार मॉर्निंग में 3 बजे का टाइम था आफ्टरनून में आने का, पर यहाँ पे हमको 8 बज गए आते आते और 5 घंटे यार लेट थी ट्रेन। तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं और माहौल देखो कुछ तरीके का दिख रहा है, खतरनाक वाला क्राउड दिख रहा है। दीदी हमारे साथ में ही है और हमने यार रूम देख लिया, फटाफट बुक कर लिया। बस हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट बाहर और चलते हैं, बस पकड़ते हैं या तो मेट्रो पकड़ते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं न्यू दिल्ली। वहाँ पर रूम है, उसके बाद में भी आपको मिलेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे, चलो चलते हैं। तो यार आप दिल्ली और आपको दिल्ली में क्राउड ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, एकदम बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपको दिल्ली में क्राउड ना दिखे। तो भाई देख रहे हो नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ है, ये सारे लोग यूपी बिहार वाले ही होते हैं अधिकतर, दिल्ली में दिल्ली के लोग कम होते हैं, बाहर वाले ही ज़्यादा होते हैं, ये सारे लोग जॉब करने वाले होते हैं यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग यार आप सभी लोगों को, और आज है 3rd of April और अभी हो रही मॉर्निंग के बज रहे हैं 5। और यार कल हम नाइट में यार हम बहुत लेट हो गया था आते आते, क्योंकि हम लाइक बहुत देर तक यार घूमते रहे, हमको होटल वाले नहीं मिल रहा था और बहुत सर्च करने के बाद जब जाके होटल मिला है उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद चेक इन करने के बाद यार 12 बजे से चेक इन करते करते तो मैंने कहा कि अब यार मॉर्निंग में ही शूट करेंगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, थक गया था तो मैं सो गया था। तो अभी तो 5:30 बज रहे हैं, मैंने कैब बुक कर ली है जो दीदी को एयरपोर्ट छोड़ देगी और मैं सीधा स्टेशन निकल जाऊँगा। तो अगर देखूँगा अगर वो स्टॉप मैं ऐड करता हूँ, अगर
स्टॉप आ जाएगा रेलवे स्टेशन का, तो मेरे को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करके फिर आईजीआई निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो अपन वॉकिंग डिस्टेंस पास में है यहाँ से निकल जाएंगे, तो बस जो जर्नी है यहाँ से शुरू होने वाली है। और जो मेरी ट्रेन है वो मॉर्निंग में 6:40 की है, दीदी की जो फ्लाइट है वो 8 बजे की है, तो लेफ्ट से देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर जितना भी होगा सारा कुछ कवर करेंगे। चलो चलते हैं। पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और हम पहाड़ गेट साइड पर हैं। और आप देखो यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड, लाइक बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा है, मतलब अभी मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और अभी देखो अभी से यहाँ पे ये हाल हो रखा है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला क्राउड यहाँ पे हो जाता है यार। दिल्ली है, मतलब दिल्ली भागते हुए लोगों की है, तो मतलब यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, टूरिज़म भी बहुत है। तो हम धीरे धीरे करके अंदर पहुंच रहे हैं और यहाँ पे देखो मतलब हर आदमी मतलब यही बोल रहा है कि भैया लगेज वगैरह हमसे उठवा लो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और ऑटो वाले भी खूब सारे हैं, कैब वाले भी खूब सारे हैं, मतलब बहुत यार बहुत क्राउड होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल का क्राउड होता है। और यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है वो अजमेरी गेट साइड पे है और जो बस स्टॉप भी है वो भी अजमेरी गेट साइड पे है। तो अगर आपको मेट्रो या फिर बस चाहिए तो आपको अजमेरी गेट साइड उतरना होगा, ना कि पहाड़ गेट साइड। तो इधर साइड आपको सिर्फ कैब मिलेंगी और ऑटो मिलेंगी जितना मुझे पता है। तो बस हम चल रहे हैं धीरे धीरे अंदर और यहाँ पे बहुत लाइक इतने सारे देख रहे हो, इतने सारे व्हीकल हैं कि मतलब जगह नहीं मिलती है इंसान को चलने की, मतलब क्राउड बहुत होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला क्राउड होता है नई दिल्ली में। तो बस चलते हैं धीरे धीरे अंदर फिर देखते हैं। तो भाई यहाँ पर भी मतलब लाइन लगी हुई है जैसे ही हम पहुँचते हैं लाइक एंट्री करने के लिए प्लेटफॉर्म में, तो यहाँ पर भी उनको लाइन दिखती है, फिर हम लाइन पर खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे लाइन चल रही है और बैग चेक होगा हमारा और उसके बाद हमारी लाइक पूरी चेकिंग होगी बॉडी की, लाइक वो मशीन लगा के या फिर जो डोर लगा होता है उससे चेकिंग होगी। तो बस देखो एंट्री प्रवेश लिखा हुआ है और हमारी जो ट्रेन है वो 14th नंबर प्लेटफॉर्म पे है। तो अभी हम ये जो एंटर करेंगे ये 1st नंबर प्लेटफॉर्म होगा। लेट्स सी, चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपको सीधा अंदर। तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर हमको शताब्दी एक्सप्रेस दी जाती है जो लखनऊ जा रही है कानपुर होते हुए। तो हम यार ढूंढ रहे थे कि हमको कोई लेवर मिल जाए जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए, पर वो रास्ता हमको नहीं मिलता है टनल वाला, तो हमें फिर स्टेयर से ही जाना पड़ेगा क्योंकि यार वो रास्ता जो होता है वो कंफर्टेबल होता है, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो उसमें आप फटाफट पहुँच जाओगे कंपेयरिंग टू स्टेयर्स। तो अब वही रास्ता हमको हमारे पास बचता है लाइक स्टेयर से जाने वाला, हम चलते हैं फटाफट। स्टेयर्स आपको मेरे सामने ही दिख रहे होंगे, तो हम स्टेयर से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। यार मतलब यहाँ पे दिल्ली में आके भाई बहुत चलना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट लेवल चलना पड़ता है खासकर स्टेशन में। और हम जैसे ऊपर आ चुके हैं और स्टेयर्स में लाइक फ्लाईओवर पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं लाइक 14th नंबर प्लेटफॉर्म। आप समझ रहे हो मतलब मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हूँ तो मुझे 14th नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है, तो टाइम तो लगेगा यार क्योंकि लगेज भी है, तो टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। तो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे होते हैं, सारी ट्रेन के नंबर्स लिखे होते हैं, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सारा कुछ एकदम वेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो हम फटाफट चलते हैं, मिलते हैं आपको हमारे 14th नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली हमको हमारी सीट मिल चुकी है और आप देखो यहाँ पे भाई कितने सारे लोग हैं, मतलब आपने बाहर जो भीड़ देखी थी ना मतलब लोगों की, वो सारे यही इसी जनरल बॉक्स में चढ़ने के लिए सारे बेताब थे मतलब। तो यार मैं भी एकदम बिल्कुल आगे खड़ा हुआ था और मैं ट्रेन चलते चलते मैं चढ़ा हूँ फट से, मैंने चढ़ा और बैग भी था मेरे पास ट्रॉली वाला, फिर मैं चढ़ा फटाक से और उसके बाद मैं किसी तरह अंदर यहाँ से गेट से निकल के पहुँचा हूँ और मैंने फटाक से एक विंडो सीट पकड़ ली। मैंने कहा इसी में बैठ जाएंगे अपन, इसी से बैठ के पहुँच जाएंगे अपन सीधा फगवारा। तो यार मतलब थोड़ा बहुत चांस लेना पड़ जाता है यार, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तो चलो हम कर लेंगे। फिर यहाँ से ट्रेन भी हमारी निकल चुकी है और ट्रेन ऑन टाइम निकली है 6:40 पे। तो लेट्स सी हमको ये कितना टाइम लगाती है पहुँचाने में और जर्नी कैसी होती है, सारा कुछ कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारी जो ट्रेन की जर्नी है वो कैसी जा रही है। तो आप अभी देखो यहाँ पे ट्रेन जो है धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, लाइक अभी तो प्लेटफॉर्म से निकल ही रही है बाहर।
सो फाइनली यार फगवाड़ा स्टेशन हमारा आ चुका है और गाड़ी बस धीरे धीरे धीमे ही हो रही है रुकने के लिए। तो यार देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, आपने देखा होगा कि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बारिश ऐसी हो रही है जो हमको भिगा देगी अच्छी तरीके से। तो यार आई होप ये बारिश और ज़्यादा बढ़े नहीं, ऐसी होती रहेगी तो हम पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत भीगेंगे तो भी एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकले हैं तो। अम्ब्रेला मैंने लिया नहीं था तो मतलब इस चीज़ से बच जाते, पर कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। पर हमें देखो रास्ता, इससे ये फ़ायदा है कि हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, हम सीधा सामने से यहीं से सामने से एग्जिट करेंगे और हमको बस स्टॉप मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं फगवाड़ा और आप देखो पीछे जो है वो ट्रेन बार बार बजर कर रही है, हॉर्न दे रही है जाने के लिए वापस, और अगर बारिश हो रही है तो बस हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फटाफट बस पकड़ते हैं, क्योंकि हमको लेट भी हो रहा है, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है और चलना भी, और पहले यार फ्रेश होना है, ब्रशअप वगैरह करना है और बात लेना है, उसके बाद ही कुछ खाएंगे अपन। तो फटाफट चलते हैं बिकॉज बारिश तेज़ हो रही है। चलो फिर मिलते हैं रूम पे। गए थे और अभी बज रहे हैं 6। तो यार मैं रूम आया था, रूम आने के बाद मैंने पूरे रूम की सफाई करी, सफाई करने के बाद फिर मैं फ्रेश होने गया, ब्रश किया, उसके बाद बात लिया, बात लेने के बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद यार मैं बहुत थक गया था तो मेरे को नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि यार पूरी 2 दिन की जर्नी थी। कल आपने देखा था कि मैं कानपुर से निकला था दिल्ली आने के लिए, तो मैं दिल्ली पहुंचा था रात में वही 8 बजे, उसके बाद रूम में पहुंचा था 12 बजे, तो मतलब हैक्टिक वाला एकदम शेड्यूल था जो चल रहा था। उसके बाद मैं बिल्कुल 2-3-4 घंटे की मैंने नींद ली, 1:30 बजे मैं सोया था, उसके बाद मैं 4:30-5 बजे फिर से जग गया, उसके बाद मैं वहाँ से उठा, फिर मैंने फटाफट ट्रेन पकड़ी, दीदी को मैंने कैब कर दी थी तो वो कैब ने मुझे पहले स्टेशन छोड़ा, उसके बाद दीदी को एयरपोर्ट छोड़ा। तो यार ऐसे करके मैं किसी तरह लाइक भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहुँचा हूँ यार। उसके बाद यार उधर भी बहुत क्राउड था, आपने देखा ट्रेन में बहुत क्राउड था, इधर भी देखा आपने ट्रेन में कितना क्राउड था। तो यार इधर क्राउड रहता ही रहता है, कुछ ऐसा नहीं है कि कभी कभी हो, हमेशा का ये है कि हमेशा इस साइड पर इस रूट पर क्राउड रहता है, दिल्ली की रूट पर तो हमेशा रहता है, आपको कभी सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको करना है रिजर्वेशन तो आप 1 महीने 10 दिन 15 दिन, कम से कम 15 दिन 10 दिन पहले से करोगे तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। बहुत हैक्टिक वाला इधर का शेड्यूल जो है लोगों का वो रहता है। तो यार हम पहुंच गए थे रूम, तो हमने जो जर्नी थी आपको पूरी दिखाई, आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी कॉमेंट सेक्शन में जाके बताओ, और अगर जर्नी अच्छी लगी हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो देखने में, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी ऐसा लगा हो कि जिसमें आपको कॉमेंट करना चाहिए, मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ, तो कर दिया करो यार, क्योंकि शेयर करते हो तो व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो मज़ा आता है कंटेंट क्रिएट करने में। बाकी अपन मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय एंड टेक केयर।